एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें इस फिगर को यूज़ में लेना है और इन है ना जो आपके क्वेश्चन पूछे इनके आंसर देने हैं, इनके नेम करने हैं, ठीक है। 5 पॉइंट्स बताने हैं आपको। देखिए 5 पॉइंट कौन कौन से, पॉइंट मीन्स डॉट ऑन पेपर, पेपर पे कोई डॉट बना दो वो पॉइंट्स कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पे पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स बताने हैं। 5 पॉइंट्स दिए हुए आपको, कौन कौन से पॉइंट दिए हुए, डी ई ओ बी एंड सी, ये 5 पॉइंट्स हो गए। अब लाइन की बात कर रहा है तो लाइन जो दोनों ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, ठीक है। सो ये देख रहे हैं आप, डी बी एक लाइन है, डी बी इज़ अ लाइन, क्योंकि ये दोनों ही डायरेक्शन में क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, इसके कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। नाउ फोर रेज, अब रे बतानी है, रे क्या होता है, जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन में वो एक्सटेंड करती है, वो रे होती है। तो देखिए रे कौन कौन सी हो गई, रे हो गई आपकी एक तो कि ये फिक्स पॉइंट मान लिया हमने, ओके। सो देखिए ओ डी एक रे, ठीक है, ओ ई सेकेंड रे, ये देखिए क्योंकि ओ फिक्स पॉइंट और डी इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। और ये भी देखिए ये एक फिक्स पॉइंट है और इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रही है, तो ओ डी ओ ई, अब यहाँ देखिए ये फिक्स पॉइंट है और इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रही है, तो ओ बी इज़ ऑल्सो अ रे। अब इधर देखिए ओ सी इज़ ऑल्सो अ रे, ये फिक्स पॉइंट और इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रही है, तो ओ सी भी आपकी क्या हो गई, एक रे हो गई। अब 5 लाइन सेगमेंट बतानी है हमें। देखिए लाइन सेगमेंट जिसके दो फिक्स पॉइंट हो, तो देखिए पहली लाइन सेगमेंट डी ई, ओके, नेक्स्ट ओ ई, ओके, नेक्स्ट ओ बी, ठीक है। देखिए फिक्स पॉइंट है, देखिए इसमें भी फिक्स पॉइंट है, ये दोनों के भी फिक्स पॉइंट है, ये दोनों भी फिक्स पॉइंट है, तो देखिए ये लाइन सेगमेंट बना रहे हैं डी ई, है ना, डी ई लाइन सेगमेंट है, ओ ई लाइन सेगमेंट है, ओ बी लाइन सेगमेंट है, ओ और सी दो फिक्स पॉइंट है, इससे भी एक लाइन सेगमेंट बन रही है ओ सी, ई और बी फिक्स पॉइंट है, इससे भी आपके लाइन सेगमेंट बन रही है ई बी, आप चाहो तो और भी बना सकते हो। देखिए डी ओ भी एक लाइन सेगमेंट है, दो फिक्स पॉइंट हो गए, तो ये आपके 5 लाइन सेगमेंट हो गए, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।